राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार को अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। बेनीवाल ने राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को अपना त्याग पत्र सौंपा। बेनीवाल ने कहा कि वे विधानसभा को मिस करेंगे, लेकिन वे चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा के सदस्य एक साथ बने रहें, क्योंकि बार बार चुनाव करवाना सही नहीं है। बेनीवाल ने कहा, जिस तरह राज्यसभा से चुना हुआ व्यक्ति लोकसभा में बैठता है और लोकसभा से चुना हुआ व्यक्ति राज्यसभा में बैठ सकता है, तो विधायक साथ साथ सांसद क्यों नहीं रह सकता। उनके इस्तीफे के बाद खींवसर सीट पर उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर बेनीवाल ने कहा, आरएलपी तो चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन को लेकर बात करेंगे। राहुल गांधी द्वारा ईवीएम पर उठाए गए सवालों के संदर्भ में बेनीवाल ने कहा कि चुनाव बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। उन्होंने कहा, ईवीएम में गड़बड़ियां हो सकती है, जब नीट का पेपर आउट हो सकता है तो ईवीएम क्या बड़ी चीज है, इसमें बड़ा घोटाला और घपला है। विधानसभा थोड़ी इसको मिस तो करेंगे, राजस्थान की विधानसभा को। हम तो ये चाहते हैं कि आदमी लोकसभा का विधानसभा के सदस्य साथ रहना चाहिए। ये इस बार कोशिश करेंगे कि ऐसा विधानसभा के सदस्य भी रहे, लोकसभा का भी रहे। बार बार चुनाव होना, फिर कराना, ये होना चाहिए। जिस तरह राज्यसभा लोकसभा के अंदर, राज्यसभा से चुनाव हुआ व्यक्ति लोकसभा के अंदर बैठता है और लोकसभा से चुनाव व्यक्ति मंत्रिमंडल राज्यसभा में जा सकता है, तो वो भी दोनों सदन के अंदर जाते हैं, मिनिस्टर जाते हैं। तो हमारा ये सुझाव रहेगा कि व्यक्ति विधायक भी रह सके और सांसद भी रह सके, सुझाव दे सकते हैं हम लोग, बाकी तो करने वाले हम लोग नहीं हैं। लेकिन राजस्थान की विधानसभा को हमेशा मिस करते रहेंगे, क्योंकि हमारी राजनीतिक शुरुआत इस राजस्थान की विधानसभा से हुई और आज चूंकि इस्तीफा मुझे देना था, कल 19 अंतिम दिन है, तो आज मैंने नियम समिति की जो बैठक थी उसमें पहले भाग लिया। और विधानसभा के अंदर नियमों के अंदर शिथिलता कैसे हो, विधानसभा के नियम कैसे बदले जाए और किस तरह विधायकों को उनके अधिकार मिले, किस तरह बोलने को उनके अधिकार मिले, किस तरह अधिकारी प्रोटोकॉल की पालना करें और नियम समिति में संशोधन हो, इस बात को लेकर भी नियम समिति जिसके अंदर अध्यक्ष चेयरमैन होते हैं उसका मेंबर हूँ, उसके अंदर भी मैंने पहले भाग लिया था। मैं इंडिया गठबंधन था, किसानों के लिए इंडिया छोड़ा था और इंडिया अलायंस के अंदर भी। देखिए, ईवीएम पे सवाल पहले भी उठे और निश्चित रूप से हम भी चाहते हैं कि ईवीएम के बिना बैलेट से होना चाहिए, ये हमारी सबकी राय। अगर आप देखा जाए तो पूरा देश भी ये चाहता है। और ईवीएम के बारे में और चुनाव आयोग जिस तरह नए नए नियम लेके आता है, चुनाव आचार संहिता के दरमियान जिसकी सरकार होती है स्टेट के अंदर या दिल्ली के अंदर, उन प्रत्याशियों को प्रशासन मदद करता है और जो विरोधी होते हैं उनको परेशान तंग करता है, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। ईवीएम में गड़बड़ियाँ हो सकती है, इस देश में क्या नहीं, जब नीट का पेपर आउट हो सकता है, जब आरपीएससी राजस्थान की पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ सकती है, जब आपका कर्मचारी चयन आयोग पूरा मतलब उसमें भ्रष्टाचार में डूब सकता है, जयपुर में जब गुर्दे बदले जा सकते हैं, क्या नहीं हो सकता। ईवीएम क्यों नहीं बदली जा सकती, ईवीएम भी तो आखिर कहीं ना कहीं से वो कंट्रोल होती होगी ना, तो इसके अंदर तो ये बयान में मुझे सच्चाई नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं ईवीएम में घोटाला घपला है। नहीं तो इतना विरोध था देश के अंदर और विरोध के अनुरूप वोट कम मिला इंडिया अलायंस को। अग्निवीर स्कीम को लेकर बेनीवाल ने कहा कि वे इसके संशोधन को नहीं मानते, बल्कि इसे पूरी तरह से खत्म करना होगा। उन्होंने घोषणा की, वे जल्द ही बड़ा आंदोलन करके दिल्ली कूच करेंगे। अग्निवीर समाप्त करवा के पहले की तरह सेना भर्ती हो, यह देश का नौजवान चाहता है और उनके साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। देखिए, अग्निवीर का विरोध देश में अगर किसी सांसद ने व्यक्तिगत तौर पर किया तो मैंने ही सब ज्यादा किया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली भी करी थी और अग्निवीर के संशोधन को हम नहीं मानेंगे, इसको लेकर हम बड़ा आंदोलन करेंगे, दिल्ली को घेरेंगे और अग्निवीर समाप्त करा के पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां हो, ये देश का नौजवान चाहता, सेना के सम्मान के साथ कोई सम्... ज्योति मिर्धा के बयान का पलटवार करते हुए बेनीवाल ने कहा कि उनका परिवार कभी कोई पार्टी नहीं बना पाया और कभी किसी को तो कभी किसी का झंडा लेते थे, खुद पार्टी बनाकर लड़े तो पता चल जाएगा। उन्हें 5,000 से ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे, 4 बार मायरा भर चुके और उपचुनाव में आ गई तो मीठा मायरा भर देंगे। यदि आरएलपी के साथ कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता तो क्या उनका भी खाता राजस्थान में नहीं खुलता, यह तय है। उनका तो पूरा परिवार ही ऐसे ही चलता, सुनो, उन तो कभी पार्टी थोड़ी बनाई, कभी किसी का झंडा लेते थे, कभी किसी का, खुद पार्टी बना के लड़ा तो पता लग जाएगा औकात कितनी है, 5,000 ज्यादा वोट नहीं ले पाएगी। मैंने तो 18-13 में निर्दलीय भी जीता, वसुंधरा को चैलेंज देखे, 18 के अंदर
पार्टी बना के तीन विधायक लाया, सारे उपचुनाव अकेले लड़े। अब की बार इंडिया अलायंस के साथ में था, मुझे बीजेपी को सबक सिखाना था राजस्थान के अंदर, और ये निश्चित है कि आरएलपी का अगर गठबंधन नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी का खाता राजस्थान के अंदर नहीं खुलता, ये तय। मैं तो मेरे सुनो स्टाइल से जवान किसान की जहाँ बात होगी वही करूँगा, सरकार का विरोध करूँगा। आप देख लेना, आ रहा हूँ ना, नज़र आ तो रहा हूँ आपको। अभी जैसे मुझे इंडिया अलायंस की मीटिंग में नहीं बुलाया तो मैंने इस बात का विरोध किया, उन लोगों ने कहा साहब ध्यान नहीं रहा, चूक हो गई, आपको पता है सारा। अगर हमें चाहे एक पार्टी एक सिंगल मेंबर पार्टी हो चाहे दो मेंबर हो, मेंबर तो मेंबर हो, एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी, हो सकता कि इतनी सीट आने से उनके दिमाग में कोई बात आ गई होगी, तो वो एहसास दिलाती उनको। मैंने तुरंत एहसास दिलाना हमारा काम है, पार्टी में लोकतंत्र बचा रहे, हम MP बन के जाएँ MLA बन के जाएँ, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था की हम रखवाली नहीं करेंगे। और बीजेपी भी मैंने लोकतंत्र को लेकर छोड़ी थी वसुंधरा के समय कि भाई बोल नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, मैंने मेरी बात कही और बाहर निकाल दिया, तो वापस पार्टी बना के वापस आ गया मैं। और अब दिल्ली के अंदर भी पूरा प्रयास करूंगा कि राजस्थान के लंबित मुद्दों को कैसे सोल्व करें। अग्निवीर का बड़ा विरोध हम करेंगे, निश्चित रूप से अग्निवीर को वापस करेंगे।